बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सऊदी काका की तरफ से एक नया सर्कुलर सामने आ चुका है, वो आप साथ शेयर करूंगा और आपको वो बात समझा दूंगा। अच्छा, इसी से रिलेटेड आपको ये जो सर्कुलर है, आपने इसके मतलब कहीं अगर वीडियो देखी हो किसी दूसरे चैनल के ऊपर या टिकटॉक वगैरह कहीं भी ऊपर, तो आपको इसी के मतलब बताया गया होगा। जो सर्कुलर यहाँ पर पिक्चर आपको बड़ी करके दिखा रहा हूँ मैं, काका का सर्कुलर भाई अभी सामने आ चुका है, जो कि भाई एहतियाती तदाबीर यानी कि तमाम उन छुट्टी जाने वाले या जो आप भाई फाइनल एग्जाम जा रहे हैं, छुट्टी जा रहे हैं सऊदी अरेबिया से, तो तमाम उन अफराद के लिए है जी, उनको एहतियाती तदाबीर के मुतल्लक यानी कि आगाह किया गया है। लेकिन इससे रिलेटेड और भी चीजें हैं जो मैं आपको इसी वीडियो में क्लियर करता हूँ, इंशाल्लाह आपको फायदा होगा, आपको एयरपोर्ट के ऊपर नुकसान नहीं उठाना पड़ेगा। यानी कि आपने 200-400-500 रियाल की चीज खरीदी हुई है, एयरपोर्ट के ऊपर आप लेकर आते हैं तो वहां पर वो बोलते हैं भाई ये तो नहीं जाएगी। मैं आपको लाइव प्रूफ, लाइव सबूत के साथ ये बात बताऊंगा। हाल ही में मैं जद्दा लाहौर के लिए सफर कर चुका हूँ, आपको पता है एयरपोर्ट के ऊपर तमाम तरह सूरत हाल देख चुका हूँ और आपके साथ मुकम्मल वो व्लॉग मैं शेयर कर चुका हूँ। इसी चैनल के ऊपर वो मुकम्मल वीडियो पड़ी हुई है मेरी 3-4, यानी कि एयरपोर्ट के ऊपर से लेकर लाहौर इलामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट तक की मुकम्मल सूरत हाल से आपको आगाह कर चुका हूँ तमाम तरह तफसीलात के साथ। हुआ कुछ यूं, मैं आपको काका की ये पिक्चर आपने देख लिया जी, इसी से रिलेटेड है एक, मैं आपको जो एयरपोर्ट से हम पहुंचे हैं वहां पर क्या कुछ देखा वो बताता हूँ। इस सर्कुलर में कहा भी वही गया है। हुआ कुछ यूं, जब हम एयरपोर्ट के ऊपर पहुंचे तो वहां पर जहां पर हमें आबे जमजम मिलता है जी, आपको पता है 20 रियाल की एक बोतल मिल जाती है 5 लीटर वाली, तो वो बंद है जी। हमने पूछा आबे जमजम, वो बोलते आबे जमजम बंद है, जब से ये कोरोना आया है उस टाइम से बंद है, ये यहाँ से आबे जमजम नहीं मिलता है। मैं और मेरे दोस्त दोनों से साथ और साथ में कुछ पिक्चर वगैरह वीडियो वगैरह मैं आपको एयरपोर्ट से मुतल्लक दिखाता जाऊंगा। तो हमने उस बंदे से पूछ लिया कि यार आबे जमजम कहीं और से मिलेगा, उसने बोला वो उस जगह पर एक बंदा खड़ा होता गाड़ी लेकर, उसके पास अक्सर होता है। तो हम बार वहां पर आधा घंटा तकरीबन घूमते रहे कि शायद कोई बंदा मिल जाए, लेकिन हमें कोई बंदा नहीं मिला जो आबे जमजम सेल करता हो। हमने एक दोस्त से पूछा भी, वो बोलते भाई हमने तो नहीं देखा है। दोबारा हम इंटर हो गए एयरपोर्ट के अंदर और काम चलते चलते बोर्डिंग के ऊपर पहुंच गया। जब बोर्डिंग के ऊपर पहुंचा है तो सामने भाई बोर्ड लगे हुए हैं, यहाँ पर आपको पिक्चर दिखा रहा हूँ उनकी या वीडियो दिखा रहा हूँ मैं, आप ये बोर्ड देख लें। इन बोर्ड्स के ऊपर बकायदा वो तमाम तर चीजें बनाकर उनके ऊपर कांटा लगाया गया है कि ये तमाम तर चीजें अलाउड नहीं है आपको एयरपोर्ट के अंदर, यानी कि एयरपोर्ट के अंदर आपकी बोर्डिंग के दौरान ये तमाम तर चीजें निकाल दी जाएंगी। मिसाल के तौर पर मैं जो बात सर्कुलर में आई है वो भी उसी के ऊपर बात कर रहा हूँ। मिसाल के तौर पर कंबल लेते हैं, उसको किसी आप बोरा नुमा कोई लेते हैं जी, आप 15 रियाल की एक व्हाइट कलर की बोरा मिल जाती है जिसमें कार को भेजते हैं, वो उसके ऊपर लपेट देते हैं, ऊपर रस्सी वगैरह बांध देते हैं तो वो नहीं चलेगा। आप बैग नहीं लेते हैं या बैग के ऊपर आप तोड़े लगा देते हैं, ऊपर से रस्सी बांध देते हैं, वो भी नहीं चलेगा। आप जमजम की कोई भी पानी वाली बोतलें, चाहे लीटर है, 2 लीटर है, 5 लीटर है, आप अपने बैग के अंदर रखते हैं, वो भी नहीं चलेंगी। अच्छा, खुली लेकर आते हैं वो भी नहीं चलेंगी। चलेंगी कौन सी, मैं अभी आपको बताता हूँ। हुआ कुछ यू के बोर्डिंग के ऊपर खड़े हुए थे तो मेरे आगे वाले जो मेरे साथ मेरा दोस्त था, उसकी ना वजन थोड़ा ज्यादा हुआ, 2 किलो वजन ज्यादा था बस, तो उसने बोला निकालो भाई 2 किलो वजन ज्यादा है, तो एक आयरन थी उसके पास इस्त्री यानी कि जो यूजेबल में थी, वहां पर हमने वो निकाली फिर और क्या करते। बहरहाल वहां पर मैंने देखा साइड पर लीटर वाली और हाफ लीटर वाली पानी की 2 लीटर वाली बोतलें पड़ी हुई है, उनके ऊपर बकायदा टेप लगी हुई है आपे जमजम की। तो मैंने उसको बोला एक बड़ी बोतल उठा ले, 2 लीटर वाली थी तकरीबन, तो मुझको बोलता, मैंने बोला हाथ में कोई नहीं पूछता है ये हम पियेंगे। उसने उठाई, हमने ढक्कन खोला, वहां से पीते आगे चले गए। बोर्डिंग हो चुकी थी हमारी, आगे भी किसी ने नहीं पूछा, वेटिंग रूम में भी वो बोतल हमारे साथ ही रही। भी हाथ में अगर आपने कोई वाटर पकड़ा हुआ है ना, चाहे वो आपे जमजम से भरी बोतल है, चाहे पेप्सी वगैरह कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह कुछ भी है, वो नहीं आपसे पूछा जाएगा। वो किसी बंदे की बाहर निकाल कर रखवाई थी उन्होंने कि ये भाई अलाउड नहीं है, इसको अपने बैग से निकाल कर बाहर रखो। वो तमाम तरह आपे जमजम की बोतलें उस बंदे ने बाहर निकाल कर रखी हुई थी। ये तो हो गई तमाम तरह तफसील, यानी कि जो मैंने आपको बता दी है। इस सर्कुलर के मुताबिक आपे जमजम तमाम एयरलाइन को ये हदायत जारी की, चाहे वो हज है, उम्र है, कोई भी बंदा है जी, वो आपे जमजम बैग के अंदर रख कर नहीं ले जा सकता है। अच्छा, अभी ले जा कौन सा सकते हैं आप, ले जा भाई आप वही सकते हैं जो हमें 20 रियाल का मिलता था एयरपोर्ट के ऊपर, यानी कि उसके ऊपर गत्ता लगा होता था और गत्ते के ऊपर आपका नाम वगैरह लिख दिया जाता था, वो बाहर से मिलता है और एयरपोर्ट के बाहर ही बंदे भेजते हैं। मुझे बाद में एक दोस्त है वो लेकर आया, मुझे बोल रहा था कि एयरपोर्ट के ऊपर ही यानी सामने पार्किंग में गाड़ियां वगैरह लोकर लेकर खड़े हो जाते हैं, आप थोड़ा घूमें वहीं से आपको मिल जाएगा, वो 5-10 रियाल ज्यादा लेते हैं। वो बोतल अगर आप अपने सामान के साथ लेकर आते हैं तो वो आपके सामान के साथ जाएगी,
ना के खुली हुई कोई भी बोतल और ना ही बैग के अंदर रखा हुआ कोई भी किसी किस्म का जमजम या कोई भी ऐसी चीज जो मैंने आपको समझा दी है, यानी कि बैग आप ऐसा तैयार कर लेते हैं जो बैग में ना ऊपर रस्सियां लपेटी हो, कंबल वगैरह ऐसी वैसी कुछ चीजें जो कि बैग के बगैर हो, आपने खुद से उसका बैग बनाया हुआ, ऐसा कुछ भी नहीं जाएगा एयरपोर्ट के ऊपर, वो आपका सामान वापस कर दिया और आपका जितने का वो खरीदा होगा ना तो आप उसे ले जा सकेंगे और अगर बैग वहां से आपको मिलने से रहा, अगर कोई ऐसी चीज लेते भी हैं तो आपका अच्छा खासा नुकसान होगा।